हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। तो आप सभी को पता है आज दिल्ली पे हाई प्रोफाइल मीटिंग बैठाई गई थी, तो उस मीटिंग पे क्या बातचीत हुए हैं हमारे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर सर रमेश पोखरियाल और सारे ही स्टेट मिनिस्टर अवेलेबल थे वहाँ पर, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे और हमारे वेस्ट बंगाल के उच्च माध्यमिक के एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, ये सब राय रखने के लिए। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बातचीत चल रहे थे कि इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके किस तरीके से होंगे। इंडिया में कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जो अपने इवन सेमेस्टर की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए हैं और स्टूडेंट को प्रमोट कर दिए हैं, तो क्या हमारे वेस्ट बंगाल में ये चीज़ इंप्लीमेंट होंगे या नहीं, इसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिए प्रेस। तो चलिए करते हैं, उसकी तरफ आ जाएंगे। पहले हम स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिए गए हैं, डिसीजन को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। इंडिया के हमारे जितने भी सारे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है उन सब की लेटर सजेशंस मांगे हैं, अपने अपने स्टेट को राय रखने बोला है। 25 तारीख तक ये चीज़ यहाँ पे हमारे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट करना होगा। उसके बाद हमारे जो नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर है वो 30 तारीख को हम सभी को अपना व्यू बताएंगे और जो फाइनल डिसीजन है आप सभी के वो 1 जून को आएंगे। लेकिन और भी कई सारी अपने अपने स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना राय रखा कि यहाँ पर, लेकिन इंडिया के सारे ही जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ द कहे हैं कि 12 की एग्ज़ाम होनी चाहिए। और यहाँ पर किस तरीके से होनी चाहिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आपकी लिए जाएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा और एंड स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है सर मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ पर क्लास 12 की एग्ज़ाम को ना कराने की यहाँ पर मांग रखे हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के भी, तमिलनाडु के भी यही बताए गए थे कि अभी इस परिस्थिति पे एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से इंटरनल मार्क्स देकर पास किए हैं, वैसे ही यहाँ पर दिल्ली की गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं कि आप 12 के भी स्टूडेंट इसी तरीके से कर सकते हैं। कि जिस तरीक़े से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही बताया है कि 12 के स्टूडेंट भी जो इंटरनल बेसिस के परफॉर्मेंस में मार्क्स दे सकते हैं, उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की अगर आप वो मार्क्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम फिर बाद में उनकी एग्ज़ाम करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अपनी अपनी राय सभी एजुकेशन मिनिस्टर ने रखे हैं अपने स्टेट के तरफ से। और ये भी कहें कि स्टूडेंट को अभी ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन की, ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो मेन कुछ बात है वो मैं आपको बता दूँ इस एग्ज़ाम में आपकी क्या हुए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोले गए हैं कि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स को लेना पॉसिबल नहीं है। उसके आप जो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देंगे उसके बेसिस पे आपको अदर सब्जेक्ट्स की मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपकी जो 3 घंटे की पेपर होते हैं वहाँ पर आपकी टाइम कम करके 1.5 घंटा की एग्ज़ाम हो। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम कि जो पैटर्न है आपके क्वेश्चन पेपर को उसको चेंज किया जाए, जो आपकी लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस रहते हैं उसको चाहे एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप करके आप सभी के एग्जाम लें। तो कुछ ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर बात हुए हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कुछ जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के गवर्नमेंट हो गए, तमिलनाडु के गवर्नमेंट हो गए, इसके साथ साथ महाराष्ट्र की, ये यहाँ पर बताएं कि एग्ज़ाम को होल्ड करना सही होगा और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि देखिए, जो आप जब 12 के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद आप एडमिशन करवाने जाते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, उसके बाद आप किसी एंट्रेंस में बैठते हैं जैसे कि जी मेंस हो गए, जी एडवांस हो गए, मेडिकल हो गए, नीट वगैरह का, तो ये सब में आप जब बैठेंगे तो यहाँ पर विदाउट एग्ज़ाम आप सबकी करवाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, तो जो फाइनल डिसीजन है यहाँ आपको 25 तारीख तक यहाँ पे सारे स्टेट मिनिस्टर को सबमिट करने के लिए बोले हैं। और रमेश पोखरियाल जी ने यहाँ पर सर जो हैं वो 30 मई को आप सभी को फाइनल डिसीजन बता पाएंगे कि किस क्या फाइनल डिसीजन आप सभी के लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या बोले गए हैं। तो देखिए अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बारे में जान लेते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, देखिए जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं अपने स्टेट पर और स्टूडेंट को सारे ही प्रमोट कर दिए जा रहे हैं विदाउट एग्ज़ाम। तो चाहे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो गए, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, और लगभग यहाँ पे स्टेट की 9.5 लाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सब मिलाकर, तो सभी को यहाँ पर विदाउट एग्ज़ाम यहाँ पर पास कर दिए जाएंगे,
इसके बाद यूपी यूपी के तरफ से भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ न्यूज़ हैं कि यूजी एंड पीजी एग्ज़ाम के सारे ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। लगभग वहाँ पर 30 लाख स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम को यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इवन सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है। और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने वाइस चांसलर के साथ, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गए, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम को ना लेकर यहाँ पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। किस बेसिस पे प्रमोट करेंगे? जो यहाँ पर सेकेंड ईयर सेमेस्टर की स्टूडेंट है उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की रिजल्ट देखकर प्रमोट करेंगे, जो जो फोर्थ सेमेस्टर में है उन्हें थर्ड सेमेस्टर को रिजल्ट देखकर प्रमोट करेंगे, और जो सिक्स सेमेस्टर में है उन्हें फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम को देखकर प्रमोट करेंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट के साथ क्या होंगे। तो वेस्ट बंगाल के जो एडुकेशन मिनिस्टर है अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारे जो वेस्ट बंगाल के इवन सेमेस्टर होंगे वो लगभग यहाँ पे एंड ऑफ जुलाई या अगस्त तक होने वाले हैं। अभी तक हमारे जो वेस्ट बंगाल के एडुकेशन मिनिस्टर है ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इवन सेमेस्टर को एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे ही न्यूज़ आते हैं आप सभी के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगा शेयर करने के लिए। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।